वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद में ओपन विद ऑप्शन के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट एज पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे बहुत सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ऑप्शन ट्रांसलेट का दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में ट्रांसलेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन है, ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज, कहने का मतलब जिस लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट्स है वो है, और दूसरा है हिंदी। इस यहाँ पर हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप चाइनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप चाइनीज में कन्वर्ट करना है इस लैंग्वेज को, डॉक्यूमेंट्स के लैंग्वेज को। सपोज आप इस पैराग्राफ को चेंज करना चाह रहे हैं या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला पैराग्राफ चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा तब इंटरनेट आपके सिस्टम में ऑन होना चाहिए, या इंटरनेट से सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए, सिस्टम लैपटॉप पीसी जो भी है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये तो चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, सपोज आपको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। हिंदी में मान लीजिए आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये इतने को, तो अब इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपदाओं की जनसांख्यिकीय परिणामों पर शोध के कई कारण हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पीडीएफ फाइल या पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।